तो कुछ ही दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा PUBG मोबाइल एंड BGMI के अंदर C1S3 मंथ 6 का रॉयल पास। तो ऑफिशियल टाइमिंग क्या होने वाला है, टियर रिसेट होगा या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, पूरा लास्ट तक देखो एंड वीडियो अगर अच्छा लगता है जरूर से एक लाइक कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नम रुद्र, अब देखा अब इन्फॉर्मेशन। तो चलिए ज्यादा देर न करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बोनस आरपी पॉइंट का एक इवेंट अभी आपको देखने को मिला होगा BGMI के अंदर। तो इस इवेंट को आप जरूर से खेल सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं जिसको आप मंथ 6 के अंदर यूज कर सकते हो। तो इवेंट काफी सिंपल है, यहाँ पर गेट फॉर फ्री का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है। तो यहाँ पर ओके आपको कर देना है तो 20 आरपी पॉइंट आपको एट ए टाइम मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड के अंदर आपको टोटल 8 मिशन देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑटो के 8 मिशन कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस कॉइन मिलेगा, बाकी अगर 7 कंप्लीट करते हो तो 7 बोनस कॉइन आपको मिलेगा। एंड बोनस कॉइन से आप बेसिकली यहाँ पर स्पिन टाइप कर सकते हो। तो मेरे पास कोई फिलहाल बोनस कॉइन नहीं है एंड एक मिशन यहाँ पर परचेस 60 यूसी का बोला गया है। तो अगर आप यूसी परचेस करने की सोच रहे हो तो अभी आप कर सकते हो, जब इसको एक्टिवेट कर लेना इवेंट को, उसके बाद ही यूसी परचेस करना, तो आपको यहाँ पर एक कॉइन मिल जाएगा। बाकी अगर आप मेरी तरह यूसी परचेस नहीं करना चाहते तो बाकी 7 मिशन आप कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद 7 यहाँ पर आपको बोनस कॉइन मिलेगा, उससे आप स्पिन कर सकते हो। एंड एट ए टाइम यहाँ से 100 से लेकर 150 या 200 तक भी आप आरपी पॉइंट्स निकाल सकते हो इस इवेंट से। एंड ये आरपी पॉइंट आपको मंथ 6 के अंदर मिल जाएगा एंड उसको आप इजीली यूज कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं मंथ 6 का रॉयल पास कब हमें गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो मंथ 5 का जो एंडिंग डेट है ये है 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर UTC 0, मतलब 19 दिसंबर तो नहीं होगा, 20 दिसंबर सुबह 5:30 बजे हमारा जो मंथ 5 का रॉयल पास है ये होने वाला है लॉक। एंड उससे पहले जो भी सारे आपका काम है उसको आपको कर लेना है, लाइक अगर आपका कोई मिशन बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि आरपी मिशन कार्ड जो है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर यूज नहीं होगा, तो जो आरपी मिशन कार्ड है उसको आप यूज कर सकते हो मिशन कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स है, जैसे कि मेरे पास अभी 984 आरपी पॉइंट्स है, तो इसको मैं यहाँ पर आरपी बैचेस परचेस करने वाला हूँ एंड हमारा जो आरपी एडवेंचर उसको खेलने वाला हूँ एंड इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। तो बेसिकली अगर आपके पास एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स है उसको आपको यूज कर लेना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर ये सारे आरपी पॉइंट नहीं जाने वाला, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। बाकी अगर मंथ 6 के रॉयल पास की बात करें तो 20 तारीख सुबह 7:30 बजे आपको देखने को मिलेगा मंथ 6 का रॉयल पास एंड 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा एक फ्री टाइम एंड तब आरपी आपको लॉक देखने को मिलेगा। एंड 20 तारीख सुबह 7:30 बजे आपको इंडियन टाइम के हिसाब से देखने को मिलेगा मंथ 6 का रॉयल पास। अगर आप किसी बाहर कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने कंट्री से हिसाब से सेट कर लेना। एंड मंथ 6 के अंदर कोई भी आपको टियर रिसेट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, जो अभी हमारा टियर चल रहा है वही टियर चलने वाला है। एंड मैं अभी फिलहाल एस के अंदर हूं, आप कौन से टियर के अंदर हो नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड मंथ 6 पूरा का पूरा यही सेम C1S3 चलने वाला है, उसके बाद आपको C2S1 देखने को मिल सकता है। एंड मंथ 7 मतलब जनवरी के अंदर जो अपडेट आने वाला है उसके अंदर हमें न्यू टियर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कोई टियर रिसेट नहीं है तो आराम से आप रैंक पुश कर सकते हो अपना। एंड मंथ 6 के रॉयल पास के लीक्स के ऊपर अगर आपने डेडिकेटेड वीडियो मेरा नहीं देखा है तो अगर आपको देखना है ओवरऑल वीडियो, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक ब्लिंक करता हूं आपको देखने को मिलेगा या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। फिलहाल वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है जरूर से एक लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड मंथ इसका वीडियो ये रहा, फटाफट जाके देख लो।